यूनिवर्सिटी का, जहां पर पूजा वर्मा विजयी हुई है, एनएसयूआई से बागी प्रत्याशी थे, निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता और अब यहां पर जीतकर अध्यक्ष बन गई हैं। खुद पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद पूजा। सबसे पहले, क्योंकि बातचीत आपने की तो ये तो समझ में आ गया कि श्रेय आपने परिवार को दिया, माता पिता को दिया और पूरे छात्र संघ यूनिवर्सिटी को आपने इसका श्रेय दिया है, लेकिन अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है, क्योंकि आप दूसरी छात्रा अध्यक्ष यहां पर बनी है, प्रभा चौधरी आपसे पहले रह चुकी है। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे भाइयों और बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक संघर्ष जिसने किया दिन रात उनके लिए, छात्र प्रशासन से बिड़ती रही उनको उसको दूसरे एक नारी की लाज रखी मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, मेरे जो संघर्ष को उन्होंने अपना मूल्य वोट दिया, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा पूजा, आपको टिकट नहीं दिया गया था एनएसयूआई की तरफ से, लेकिन आपने बता दिया कि पूजा में है दम, एनएसयूआई में सबसे आगे हम, क्या आपको लगता है कि अगर आपको टिकट दिया जाता तो मार्जिन और ज्यादा होता जीत का? बिल्कुल बिल्कुल, देखो संगठन के पास कोई वोट नहीं होते, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके पास वोट होते हैं, उनके लिए मैं दिन रात भूख हड़ताल पर बैठी, उनके लिए मैं जेल तक भी गई, तो संगठन ने मेरी योग्यता, मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष को नकारा, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे भाइयों ने और बहनों ने मेरे संघर्ष, मेरी योग्यता को अपनाया और उनकी बहन को जिताया, निर्दलीय प्रत्याशी जिताया। अच्छा पूजा, ये बताइए, अगर एनएसयूआई अब आपको ये कहती है कि आप वापस एनएसयूआई में आ जाइए, एनएसयूआई की कार्यकर्ता फिर से बन जाइए, ये मुमकिन है या निर्दलीय के तौर पर अब आगे की राह को शुरू करेंगे? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे भाइयों ने और बहनों ने मुझे निर्दलीय जिताया, अभी मैंने कोई विचार नहीं करा कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ही मतलब मुश्किल है कि जिसने मेरे को नकारा उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है पूजा, तो ये बताइए अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया गया है, दोनों संगठनों को नकार दिया गया है, पहली प्राथमिकता आपकी क्या है, क्या बदलाव करने वाली है? बिल्कुल, देखो राजस्थान विश्वविद्यालय का हमारा शिक्षा का घर है, तो सबसे पहले जो हमारी न्यू लाइब्रेरी बनी हुई है उसका उद्घाटन हम लोग करवाएंगे। पहली मेरी प्राथमिकता यही है कि जो लाइब्रेरी के लिए हमने जो संघर्ष किया, जो मेहनत करी, वो अब नई लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन मैं करवाऊंगी। अच्छा पूजा, ये बताइए, क्योंकि आप जीत गई हैं, आपके पीछे बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने मेहनत की गई होगी, जो कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ हर वक्त खड़े रहे होंगे, फिर चाहे आप प्रदर्शन कर रही होंगी, भूख हड़ताल कर रही होंगी या फिर जेल जा रही होंगी, आज उनकी भी जीत है, उनको जीत के दौरान आप पार्टी किस तरीके से देने वाली हैं, जश्न कहां पर होगा? अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा हम लोगों ने, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि जो मैंने मेहनत करी, मेरे संघर्ष किया, हम राजस्थान विश्वविद्यालय मेरा घर है, मेरा परिवार है, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम जश्न मनाएंगे। अच्छा पूजा, क्या एनएसयूआई के उन पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराएंगे जिन्होंने आपको टिकट नहीं दिया और ये जज्बा वहां से आपके अंदर आया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी, उनका भी मुंह मीठा कराया जाएगा? बिल्कुल,
बिल्कुल सबका मुंह मीठा किया जाएगा, क्योंकि देखो राजनीति चुनाव एक तरफ है, व्यवहार एक तरफ है, और हमारे मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं है, सबसे मेरा व्यवहार है। बस मेरे पास धन बल नहीं था, इस वजह से मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन व्यवहार मेरे सबसे है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि जो छात्रा वो अध्यक्ष नहीं बन पाती है, क्योंकि 37वें आप अध्यक्ष यहाँ पर बने और उससे पहले सिर्फ प्रभा चौधरी ही बन पाई हैं, 35 जो छात्र हैं वो अध्यक्ष बने। आपको लगता है कि छात्र राजनीति में छात्राओं पर भरोसा कम किया जाता है? बिल्कुल, देखो नारी शक्ति पहली बात बहुत ही कम आती है राजनीति के अंदर, लेकिन मेरे परिवार ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे राजनीति के अंदर भेजा। मैंने उनका विश्वास नहीं तोड़ा, रात दिन मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों के लिए काम किया, तो विश्वविद्यालय के मेरे भाइयों ने और बहनों ने भी मेरे पर विश्वास जताया। एक नारी शक्ति की लाज रखी, एक दूसरी नारी शक्ति बहन, छोटी बहन पूजा वर्मा को विजयी बनाया। अच्छा पूजा, ये तो आप भी महसूस करते होंगे कि एक दौर वो हुआ करता था जब हनुमान बेनीवाल अध्यक्ष बने, राजेंद्र राठौड़ अध्यक्ष बनी, राजकुमार शर्मा अध्यक्ष बने, प्रभा ठाकुर अध्यक्ष बनी, उस दौरान एक अध्यक्ष पद की गरिमा हुआ करती थी और वो कॉलेज परिसर के बाहर, यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर भी दिखाई देती थी। लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कमी महसूस हुई, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाली हैं? बिल्कुल, कुछ दिन पहले जो राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव होते थे, बस धनबल का चुनाव होता था, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय में एक अच्छा मैसेज गया है कि जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वही राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनेगा, ना कि कोई पार्टी टिकट देगी वो अध्यक्ष बनेगा। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, छात्रों के लिए काम करेगा, वही राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनेगा। अच्छा पूजा, आपको लगता है छात्रों ने एक और संदेश इस चुनाव के दौरान दिया है कि आप बेशक कहीं पर भी पार्टियां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम खाना खाने आएंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में हमें लेकर जाइए, मूवी की टिकट दीजिए, मूवी देखेंगे, लेकिन टिकट उसी को देंगे, वोट उसी को देंगे जिसको मन करेगा। क्योंकि हमने देखा लंगर भी लगते हुए दिखाई दिए, हमने ये भी देखा कि डांस का इंतजाम कर दिया गया, हमने ये भी देखा कि मूवी टिकट दे दिए गए और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और अंत में जीतती है पूजा वर्मा। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के लालच दिया उनको घुमाने, मूवी दिखाई, लेकिन जो मेरे कार्यकर्ता थे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस यही बोला बहन पूजा आप जीत जाओ, और जो मेरे कार्यकर्ता थे भूखे प्यासे रहकर उन्होंने मेरे लिए काम किया, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरे कार्यालय में मेरे कार्यकर्ता भूखे बैठे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दी मुझे कि हम भूखे प्यासे रहकर काम करेंगे, आप बहन चिंता मत करो, हम जरूर जीत के आएंगे जी। अच्छा पूजा, हम लगातार आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन एक कहावत है भूखे पेट भजन ना होए, आप कह रहे हैं आपने चुनाव जीत लिया, सच सच बताइए लिंगदोह की सिफारिशों को आपने माना, अगर माना तो कितना खर्च किया? बिल्कुल, जैसे मैंने कोई खर्च नहीं करा, पैसे मैंने किया ही नहीं, मेरे पास होता तो खर्च करती ना, अगर पैसा ही होता है तो मैं संगठन में टिकट ही लेके आती, मेरे कार्यकर्ता भूखे प्यासे मेरे लिए काम करे, ना मेरे पास कोई संसाधन था वोट देने में, मेरे अपने स्वयं के आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पैसे के दम पर संगठन के अंदर एनएसयूआई ने टिकट दिया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा ये भी बता दीजिए एनएसयूआई के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर पद पाने के लिए अगर कितने की बोली लगती है? धनबल को अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया तो टिकट मेरी होती, क्योंकि मैंने 8 वर्ष संघर्ष की, मेहनत की, और दो दो संगठक कॉलेजों से मैं पास होके आई जी। इस बार तो फिर भी कम बोली लगी थी, उससे पहले ज्यादा पैसों में टिकट दी थी। बोली क्या थी? मुझसे संगठन वाले में मेंबरशिप के मेरे पास मुझसे पैसे मांगे, मैं
दे नहीं पाई संगठन को, तो मेरे को ऐसे बोलते थे यार इसके पास पैसे था ही नहीं। अच्छा पूजा, इस बार बोली कितने से शुरू हुई थी? देखिए मैं एक गरीब परिवार से थी, संघर्ष किया, ये मुझे पता नहीं कितने से शुरू हुई थी जी। लेकिन ये आप मान रही हैं कि पैसे के दम पर ही टिकट दिया गया और यही वजह कि पूजा वर्मा को टिकट नहीं मिला? क्या हो गई? अच्छा पूजा, आवाज आ पा रही है अब तक? अगर आ रही है तो जरा ये बताइए कि आपके इर्द गिर्द भूखे पेट आपको चुनाव तो जिता दिया गया, चुनाव जीतने के बाद मुंह मीठा भी कराया नहीं कराया आपका अभी तक? अभी तक नहीं करवाया, अभी मैं जा रही हूँ। मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे जिन्होंने मेरे संघर्ष का साथ दिया अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, सभी का मैं सम्मान करूंगी, सभी का मुंह मीठा करवाऊंगी। और सबसे, और जो मेरे सब मीडिया भाइयों ने, बहुत ही मेरी बहनों ने, महिमा दीदी ने, जया दीदी ने, पूरे सब ने मेरा साथ दिया, पूरी मीडिया ने मेरा साथ दिया। अच्छा अब क्या मानती हैं पूजा, मैं कुछ और सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आपका वक्त मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब पूजा वर्मा वहां पर अध्यक्ष है या वो पूरा ग्रुप अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने पूजा वर्मा को जिताया? पूजा वर्मा अध्यक्ष नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय का एक एक मेरे भाई और मेरी बहन आम छात्र अध्यक्ष है। और अच्छा, हम ये नहीं कि पूजा वर्मा ही राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं का काम करेंगे, सब मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा आपने क्योंकि एनएसयूआई को हरा दिया, आपने एबीवीपी के जो अध्यक्ष प्रत्याशी थे उनको हरा दिया, उनसे मुलाकात होगी और उनको कहा जाएगा कि चलिए आप लोग हार गए, मैं जीत गई, अब छात्र राजनीति को एक अलग पायदान पर लेकर जाते हैं, सब मिलकर जश्न मनाते हैं क्योंकि अब सब अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मेरे भाई हैं, संघर्ष को उन्होंने जिताया और हम सब मिलकर एक अच्छी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय, मुझे पता है कि मेरे विश्वविद्यालय के अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको सब मिलकर, प्रशासन सब मिलकर समाधान करेंगे। अच्छा अभी तक एनएसयूआई या एबीवीपी से कोई आपके पास आया बधाई देने के लिए, ये कहने के लिए कि आप जीत गए हैं? हम हार गए कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पूजा क्या आपके पास किसी ने बधाई देने के लिए मैसेज किया या कॉल किया एबीवीपी या एनएसयूआई से कि चलिए हम हार गए कोई बात नहीं, अब हम पूजा वर्मा के नेतृत्व में छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने, छात्रों के उत्थान में काम करने के लिए तैयार हैं, हम पूजा वर्मा के साथ हैं? बिल्कुल, अच्छा पूजा एक और सवाल बताइए आपने मेरे को, संगठन से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बधाई मिल रही है, और ये कोई संगठन की लड़ाई नहीं, ये आम छात्रों की लड़ाई थी। अच्छा पूजा, फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में आप मिठाई लेकर कब आ रही हैं? सभी जो छात्र नेता हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे विपक्ष में खड़े हुए थे, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव 2 दिन का है, बस अपना व्यवहार हमेशा काम आएगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे। लंबी राजनीति सोच ली पूजा आपने, माना जाए कि छात्र अध्यक्ष बनने का लक्ष्य है पहला पायदान विधानसभा तक पहुंचने का पूजा वर्मा के लिए? बिल्कुल, मैंने मेरा बिल्कुल मेरे बहुत बड़ा सपना है, आप बताऊंगी मेरे सपने क्या है, लेकिन जो मेरा सपना है विधानसभा का है, और भी एक दिन देखना मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया पूजा वर्मा, वाकई में
जिस तरीके से आपके अंदर जोश, जुनून और एबीवीपी एनएसयूआई को हराकर आप अध्यक्ष बने हैं, हम दुआ करेंगे कि आपके सपने पूरे हों। तो जरा ये भी बता दीजिए कि आप किसको रोल मॉडल मानते हैं, एक महिला नेता, एक महिला राजनेता जिनको आप रोल मॉडल की तरह देखती हैं। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन ट्विंकल, इसने मेरा साथ दिया, और मेरे जो डॉक्टर अजय भैया हैं उन्होंने मेरा साथ दिया, और नरसी भैया, रोशन भैया और माइनॉरिटी बहुत लोगों के मेरा जो साथ दिया। मैं एक एक का नाम गिनाऊं तो मेरी लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। सब लोगों ने मेरा, रूपचंद जी, यादव जी भैया ने, रामकेश मीणा ने, पवन भैया ने और विजय भैया ने, विनोद खैवाल जी ने, सबने बहुत, मतलब बहुत लोगों ने साथ दिया। मानविंद्र भैया ने, सबने, आफतान भैया ने, सबने साथ दिया मेरा। अच्छा, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैंने सवाल ये किया था कि आपने कहा कि आप राजस्थान के आगे चलकर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, अभी ऐसी एक महिला राजनीति के अंदर जो आपके लिए रोल मॉडल हो? पूजा वर्तमान राजनीति में, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो, झांसी की रानी है वो, मेरा मतलब मेरे उनको मैं ज्यादा मानती हूँ, उनके जैसे मैं आग बनना चाहती हूँ। लड़ाई किससे होगी? पूजा, अगर आप झांसी की रानी की तरह बनना चाहते हैं तो लड़ाई किन किन मुद्दों को लेकर होगी? देखिए, सभी मेरे जो भाई और बहन मेरा वेट कर रहे हैं, मैं अभी माफी चाहती हूँ। अच्छा पूजा, अंतिम सवाल, आपने ये कहा कि फर्स्ट इंडिया ने सेतु का काम किया, मीडियम का काम किया, आपकी जब आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुने गए, बाकी संस्थान आपके साथ खड़े नजर नहीं आए, फर्स्ट इंडिया आपके साथ खड़ा था, आपकी आवाज बना हुआ था बाकी प्रत्याशियों की तरह, तो जरा ये बताइए कि फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में आप कब आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत ही जल्दी आ रही हूँ, क्या पता इवनिंग तक मैं आ जाऊँ। और सभी, फर्स्ट इंडिया ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, लेकिन सभी मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, चाहे वो जय मैम हो, चाहे महिमा मैम हो, भारत भैया। शुक्रिया पूजा, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको अध्यक्ष बने जाने पर ढेर सारी बधाइयां, और जो सपने आपने देखे हैं पूरे हों। शिवेंद्र मेरे